मेरी बहन उमा को लंबी उम्र दीजो भगवान, हमेशा उस पर दया की नजर रखियो। मैं तोरे आगे झोली फैलाऊं, पहले उसे कानून के इम्तिहान में पास करा देना, फिर उससे बहुत बड़ी वकील बना देना भगवान। आज थारू माँ का जन्मदिन है, आशीर्वाद दो उसे। जानकी। काका, आओ काका। बैठो। क्या बात है, आज बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। ये लो प्रसाद, आज उमा का जन्मदिन है ना, मंदिर में उसकी खातिर प्रार्थना करन गई थी। ये तो तू रोज ही करती है बेटी, तेरा तो जीवन ही प्रार्थना है और सांस एक माला जिसमें तू 24 घंटे अपनी बहन का नाम जपती रहती है। काका, बनारसी की दुकान से थोड़ी सी मिठाई और इसमें से 100 रुपया आज ही उमा को डाक से भेज दो और लिख दो यहाँ सब कुशल से हैं, रुपये पैसे की जरूरत हो तो फौरन खत लिख दे। लेकिन बेटी, अभी पिछले हफ्ते तो 300 रुपये भेजे थे तूने। अरे काका, मेरी बहन कोई छोटी मोटी पढ़ाई थोड़ी पढ़ रही है, कानून पढ़ रही है शहर में, उसे इतनी बड़ी बड़ी किताबें जो खरीदनी पड़े हैं। मैं नहीं चाहती रुपये पैसे की खातिर उसकी शिक्षा में विघ्न पड़े। हाँ, उमा को तो पता भी नहीं होगा इस रुपए पैसे की खातिर उसकी दीदी को कितना दुख उठाना पड़ता है। मुझे इस दुख में भी बड़ा सुख मिले है काका। तूने उसके लिए तो सब कुछ किया बेटी, लेकिन अपने लिए कुछ ना किया। उसकी खातिर तेरी कलाई में सुहाग की चूड़ियां नहीं खलकी, तेरी मांग में सिंदूर की लाली नहीं चमकी बेटे। अरे छोड़ो ना काका, अभी जाओ जल्दी से उमा को पैसे भेज दो। अरे किसका खत पढ़ रही हो? होश गुम, हवा गुम, नजर के आसपास गुम। दीदी का खत है, इसे पढ़कर मालूम हुआ कल मेरा बर्थडे था। कमाल करती हो यार उमा, अगर तुम्हारी दीदी का खत ना आता तो तुम्हें तो मालूम ही ना होता कि तुम्हारा बर्थडे था। भाई बहन हो तो ऐसी, कोई हफ्ता नहीं जाता जब चिट्ठी ना आए, कोई महीना नहीं जाता जब मनी ऑर्डर ना आए, और दूसरी तरफ वो मेरा भाई,
जिसका फोटो स्टूडियो चलता था फिल्म स्टूडियो जैसे है, लेकिन पैसे भेजने में वहाँ देर भी है अंधेर भी। अरे शीला, रीता, मीना, जल्दी आओ। क्या बात है कुमार, क्या बात है? उमा का जन्मदिन है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक मिनट, आज नहीं कल था। अब गाओ हैप्पी बर्थडे यस्टरडे। अरे उमा, जन्मदिन क्या ऐसे होता है रूखा सूखा, कुछ खिलाओगी नहीं? ये लो मिठाई खा लो, दीदी ने भेजी है। अच्छा, मैं चलूं। हाँ, तुम कहाँ चल दी मेरी रानी? मुझे एक जरूरी काम है। हाँ हाँ, तुम्हारे जरूरी काम हम खूब जानते हैं। यहाँ लॉ कॉलेज से तुम प्यार का मुकदमा लेके निकलोगी, और वहाँ शंकर इंजीनियरिंग कॉलेज से मोहब्बत का नक्शा। रास्ता देखकर नहीं चला जाता? अजी, मैं तो रास्ता देख के ही चला रहा था बाबू, लेकिन आपको ही कुछ दिख गया सड़क पर और फौरन गुटरगू हो गई। बकवास बंद करो वरना 32 के 32 निकाल दूंगा। ए, पुलिस पुलिस पुलिस, देखो भाइयों कैसा जुल्म हो रहा है। पहले गाड़ी चला देते हैं छाती पे, फिर दांत तोड़ने की धमकी देते हैं। आप ही कुछ इंसाफ कीजिए ना मैम साहब। तुम ठीक कहते हो, इसी की गलती है। कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा? यही कुछ 10 रुपए होंगे मैम साहब। शंकर, इसे 10 रुपए दे दो। दे दो। सलाम मैम साहब। वाह वाह वाह, वकालत तो पास नहीं की, जज पहले से बन गई। छूटते ही 10 रुपए जुर्माना जड़ दिया। शुक्र करो 10 रुपए में छुट्टी हुई। कचहरी पहुंचती तो 50 रुपए का फटका पड़ता। मैं तो तुम्हें भी कचहरी ले जाता। जज साहब से कहता, कसूरवार तो मैं हूँ लेकिन मेरा कसूर ये है। ठीक ही तो है, हम तो हमेशा कानून और इंसाफ का साथ देते हैं। कानून और इंसाफ को मारो गोली, पीछे बैठो। समझो ये मोटरसाइकिल नहीं, मेरे प्यार का पुष्पक विमान है। मेम साहब, मेम साहब, जार जा तू बड़ा झूठा है, चैन मेरा तूने लूटा है। जा 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 जा, जार जा तू बड़ा झूठा है, चैन मेरा तूने लूटा है। तू भी तो बड़ी झूठी है, नींद मेरी तूने लूटी है। मेम साहब, thank you.
ये बता फोटो कैसे आई? अब दम ले यार, दम ले। क्यों भाभी, निकालता हूँ ये देख। अरे भाई ये मरना, क्या करता है यार, गिली है, बिगड़ जाएगी, फोटो सब खराब हो जाएगा। इतना बेसब्र हुआ है यार, कुछ सब्र तो करता ही। अरे वाह 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 वाह, देख तो सही, क्या फर्स्ट क्लास फोटो है। लगता है भिंडी बाजार में कुछ सिनेमा का पोस्टर लगा है। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता। आंधी तूफान की तरह आ रही है, क्या हुआ, क्या क्या बात, क्या? प्लीज भैया, एक दिन के लिए मुझे कैमरा दे दो ना। उमा का कैमरा ले। थैंक यू भैया। चा, 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 चा। लेकिन भैया ये उमा का कैमरा तुम्हारे पास कहाँ से आया? उमा यहाँ आई थी क्या? नहीं, उमा तो नहीं आई थी, लेकिन उसका नेगेटिव आया। वो रहे। अच्छा, इंजीनियर साहब। अरे ये था उमा का जरूरी काम। भैया मैं फोटो साथ में ले जाती हूँ। सब क्या कर रही हो तुम, सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। फोटो दे उधर, प्लीज प्लीज। अच्छा ये संभालो अपना नक्शा, मैं चली। अच्छा भैया बाय बाय। अरे कुमुद इतनी बड़ी हो गई यार, उसकी शादी नहीं की अभी तक तूने? अरे बड़ी कहा, अभी तो बच्ची है, लेकिन फिलहाल उसके मंगनी कर दी है। रघुनाथ नाम का एक लड़का है मेरी तरह, वो भी फोटोग्राफर है बंबई में। मैं सोच रहा हूँ शादी के बाद मैं भी बंबई चला जाऊँ, दोनों मिलकर एक ही दुकान खोलें। लेकिन तेरा क्या इरादा मेरे भाई, शादी वादी का प्रोग्राम है या कहीं ये फोटो खींचते रहेंगे? मुझे इंजीनियरिंग की और उसे वकालत की डिग्री मिल जाए पहले, फिर देख। अरे यार पहले मियां बीबी की डिग्री ले ले, नहीं तो सारी उम्र मोटरसाइकिल चलाते चलाते पागल हो जाओगे। क्या हुआ काका, पैसे मिले? नहीं बेटी, साहूकार कहता है कि तुम इस मकान पे पहले ही बहुत कर्जा उठा चुकी हो, अब वो एक पाई और नहीं दे सकता। हराम काका, मैं यूं कहूं इस मकान को ही बेच डाले। नहीं बेटी नहीं, जमीन तो तुम पहले ही बेच चुकी हो, अब माँ बाप की एक यही निशानी तो बाकी रह गई। नहीं काका नहीं, एक और निशानी है जो इस ईदगारे के घर से भी ज्यादा कीमती। मेरी बहन उमा, उसकी पढ़ाई की खातिर ये घर तो क्या मैं अपने आप को बेच दूँ, बस मेरी उमा वकील बन जाए। अच्छा बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। उमा सिन्हा, आपका पर्सल 121। चलो अच्छा हुआ दीदी की मनी ऑर्डर पहले ही आ गई, नहीं तो ये किताबें छुड़ाना मुश्किल हो जाता। किताबें देख चुकी, अब जरा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ओफो कुमुद, तुम्हारे लिए तो जिंदगी इंद्र सभा का ड्रामा है और तुम्हारे लिए जिंदगी एक मुकदमा है। ये दुनिया एक कचेरी और इंसान हमेशा फांसी पे लटका हुआ एक मुजरिम। किताबें बंद करो और तैयारी करो। काहे की पिकनिक है और काहे की? ओ पिकनिक कमाल है, तुम ये भी भूल गई, हमें पिकनिक जाना है, आउटिंग। ना बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना, एग्जाम सर पर आ गए हैं, मुझे स्टडी करना। ठीक है, तो मैं शंकर से जाके कह देती हूँ कि वो तुम्हें छोड़ सकती है, इन मुई किताबों को नहीं। ओफो, शंकर को हमारे मामलों में क्यों घसीट रही हो? मैं नहीं घसीट रही उसको, वो हम सबको घसीट रहा है। क्या मतलब? अरे ये पिकनिक का प्रोग्राम तो शंकर ने ही बनाया है, हम तो ख्वामखा तुम लोगों के साथ चमचे बन के चल रहे हैं। ठीक है, मैं फोन कर देती हूँ। पिकनिक कैंसिल? अरे नहीं नहीं नहीं, पिकनिक कैंसिल करने की क्या जरूरत है, अब मैं चलूंगी। हाँ जरूर चलूंगी। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम लोगों का साथ छोड़ू? हम लोगों का साथ
या उसका हाथ। अच्छा ये तो बताओ हम लोग जा कहाँ रहे हैं? ये अमृत सागर झील है ना, बस वहीं। अरे वो तो बिल्कुल मेरे गाँव के पास ही है। मैं अपने दीदी को भी मिल सकती हूँ? तुम अकेली नहीं है, हम सब चलेंगे। तुम्हें चाह है अपनी दीदी से मिलने की? और हमें शौक, मिलाओगी ना? बट ऑफ कोर्स। नहीं नहीं, किसी को इतनी छोटी सी बात के लिए शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि आपने ये मकान बेचा ही नहीं, हमने ये मकान खरीदा ही नहीं। आपकी बहन जब यहाँ आएगी इस मकान को वैसे ही पाएगी जैसे छोड़कर गई थी। हाँ एक बात, आपकी बहन और उसकी सहेलियाँ सब के सब हमारे मेहमान। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी दीदी, ये है मेरी सहेलियाँ दीदी, और ये है मेरी दीदी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा सब कुछ। अरे उमा, तू ये सब कुछ कही जाएगी या दीदी को भी कहने देगी? मैं क्या कहूँ, मेरा तो लोक भी यही है, परलोक भी यही, मेरी दौलत भी यही है, दुनिया भी यही है। चलो भीतर चलो। चलो चलो अंदर जी। आप लोग कौन है? ये मेरा मदद है। हम तुम्हारे दीदी के मेहमान है बेटी। हाँ बेटी, नए नए आए हैं ना इस गाँव में, तुम्हारे आने की खुशी में तुम्हारी दीदी ने हमें भी खाने पर बुलाया। अच्छा अच्छा। अरे उमा, बेटी आ गई तुम। काका अच्छे तो हो ना? अच्छा हूँ। गर्ल्स ये मेरे काका हैं, जो दीदी और मेरे बीच चिट्ठियों के पुल का काम करते हैं। नमस्ते काका। नमस्ते। बड़ी भूख लगी है। सच बड़ा मजा आया खाने। जी चाहता था उंगलियां चाट जाए। लगता है दीदी आज तुमने अपनी सारी मिठास खाने में ही घोल दी थी। चलो इसी बात पे एक फोटो हो जाए। गुड आइडिया। अरे रे दीदी तुम कहाँ जा रही हो? दैया रे दैया, मुझे शर्म लगे। नहीं नहीं दीदी, तुम्हें हमारे साथ फोटो खिंचवाना ही होगा। अच्छा जरा था। हाँ अब ले। ये हुई ना बात। अरे रेखा वहां क्या कर रही है? और थोड़ा इस तरफ। रेडी, वन टू। हरा मेरी तो आंखें चूंध दिया गई। उमा अब तुम दीदी पर जाओ, मैं फोटो लेती हूँ। अच्छा। ए सलमा, तूने क्यों रोनी सूरत बना रखी है? हाँ हर, वन टू। कब आवेगी? इम्तिहान के बाद ना? नहीं दीदी, इम्तिहान के बाद कुछ दिनों के लिए मुझे किसी वकील के साथ काम करना पड़ेगा। ये तो ठीक है, वकील बन के आई हो, वकील के कपड़े लगते पहन कर। हाँ दीदी, उमा की तो जबान नहीं थकती तुम्हारी तारीफ करते करते, लेकिन यहाँ आके देख लिया तुम तारीफ से कहीं बढ़कर ज्यादा हो। दीदी मेरी कोई दीदी नहीं, मैं तुम्हें दीदी कह सकती हूँ दीदी? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर कहो, जरूर कहो मेरी बहना। बेटी धन्यवाद तो हमें करना चाहिए तुम्हारा, हम तो भूल ही गए थे इस दुनिया में अब भी तुम जैसे प्यार की गंगा बहती है कहीं। चलो बेटी। Thank you.
मुबारक हो उमा, तुम वकील बन गई। तुम्हें भी मुबारक हो शंकर, तुम भी तो इंजीनियर बन गए। आगे का क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम पहले तो मैं एक छोटा सा घर बनाऊंगा। छोटा सा घर क्यों, बड़ी सी इमारत क्यों नहीं? बड़ी सी इमारत दूसरों के लिए, मैं तो अपना एक छोटा सा घर बनाऊंगा जिसमें प्यार का ही फर्श हो, प्यार की ही दीवारें और प्यार की ही छत। अरे वाह इंजीनियर साहब, फौरन छत पर पहुंच गए, बुनियाद का कुछ नहीं सोचा। उसी का तो फैसला करने आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो, तुम मेरी जिंदगी की बुनियाद बनोगी? बनूंगी, लेकिन पहले मुझे दीदी से मिलना होगा। ओके, मैं इंतजार करूंगा। मैं इस घर का नौकर हूँ। अच्छा, तो दीदी ने एक नौकर भी रख लिया। ओ, आप उनकी बहन हैं। उन्होंने ये मकान बेच दिया हमारे मालिकों के हाथ। बेच दिया? जी हाँ। अब वो कहाँ रहती है? गली के नुक्कड़ पर झोपड़े में रहती है। दीदी, दीदी, उमा, उमा, दीदी। उमा मेरी बहन, मुझे ये बनाने के लिए तुम्हें ये बनना पड़ा। तुम्हें बहुत शौक था ना मुझे वकील के रूप में देखने का, तो देखो जी भर के देख लो तुम्हारी बहन इस लिबास में कैसे लगती है। तू वकील बन गए, मेरे दिल की आरजू पूरी हो गई। मेरी उमा वकील बन गए। माँ पिताजी, आप एक गुड़िया छोड़कर गए थे मेरी गोद में, आप देखो ये गुड़िया क्या से क्या बन गई। आप दोनों आशीर्वाद दो मेरी उमा को। मुझे माता पिता और भगवान से ज्यादा तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए थे, जिसने मेरे जीवन में दिया जलाने के लिए अपने आप को जला डाला। मुझे क्या मालूम था दीदी, मेरी शिक्षा के लिए तुम इतनी बड़ी कीमत दे रही हो। सच तो ये है, तुम्हें इस हालत में देखकर मैं अपनी नजर में दो कौड़ी की भी नहीं रही। नहीं नहीं उमा, मैंने कोई नई बात नहीं की। जब धरती को फूल उगाने का शौक होता है तो उसे अपनी छाती हल्के नीचे रखनी पड़े। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया, तुम मेरे लिए अपना घर बेच रही हो? बताती तो तू अपना कॉलेज छोड़ के ना आ जाती यहाँ। दीदी, हम दोनों एक ही मिट्टी के बने हुए, लेकिन उसने तुम्हें देवी बनाया और मुझे भीख का कटोरा। ऐसे नहीं कहते उमा। दीदी, तुमने पी ले? ले ना। तुम भी। अच्छा दीदी, एक बात पूछूं? नहीं, मैंने हजार बार कहा पीछे की बातें पीछे रह गई, अब सिर्फ आगे की सोच। आगे तो मैं सिर्फ इतना ही सोच सकती हूँ दीदी, जब मैं पहली बार कचहरी मुकदमा लड़ने जाऊंगी तो तुम्हारा आशीर्वाद लेकर जाऊंगी। तुम्हारा आशीर्वाद मेरे लिए भगवान के आशीर्वाद से भी ज्यादा कीमती है। अब तुझे पता है मैं क्या करूंगी? जब तू पहली बार कचहरी में मुकदमा लड़ने जाएगी तो मैं छिपके देखूंगी, तेरी कामयाबी की धूप में मेरे सारे आंसू सूख जाएंगे। आंसू तो सूख जाएंगे बेटी, लेकिन दिल की बस्ती कब बसेगी तुम्हारी? हाय राम, क्या कह रहे हो काका? मैं तुमसे नहीं उमा से कह रहा हूँ। उमा बेटे, तेरी बहन तुझे वकील के रूप में देखना चाहती थी, क्या तू उसे दुल्हन के रूप में नहीं देखना चाहेगी? काका, काका ठीक ही कह रहे हैं दीदी, अब तो इन हाथों में मेहंदी लगनी ही चाहिए। आप ही कुछ इंतजाम कीजिए ना काका। मैंने तो बेटी बतेरे इंतजाम किए और करके छोड़ दिए, मगर इसकी एक ही जिद थी कि उमा मेरी वकील बन जाए पहले। और अब तो मैं वकील बन ही गई हूँ। आप जल्दी से दीदी के लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढिए और डोली में बैठा के इसे इसके घर भिजवा दीजिए। क्या ख्याल है? चल। ओ आप, आइए 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 आइए, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। मिस्रिमा, मैं तो एक महीने से आप ही का इंतजार कर रहा था। एक महीने से? जी हाँ,
आप हर महीने की 3 तारीख को इस तरह आती हैं जैसे साल में एक बार दिवाली। आपके आने से सब जगमग 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 ही होने लगता है। वो कैसे? क्या बताऊं मिस हेमा, यहाँ दिन भर में कई नौचार के चौकटे आते हैं पर आप जैसा पंचरंगी प्रोग्राम तो एक ही बार दिखाई देता है। पंचरंगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है रंगीन रंगीन। ए मिस्टर, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो। मैं इस मकान की मालिक हूँ और तुम किराएदार। मेरा और तुम्हारा बस इतना ही रिश्ता है। चलो कोई तो रिश्ता है, ये तो मानी ना आप। मैं मानता हूँ, मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ, किराया भी देता हूँ, पर दिल में घर करने का क्या किराया लोगी? अभी बताती। नस्तिक आओ जरा। और नस्ती? अरे मैं जानता था मेरा प्यार जरूर एक दिन रंग लाएगा। अब आईने में जाके अपना गाल रान लेखो और चुपचाप मेरा किराया लाओ। इस थप्पड़ की गड़बड़ में तो सब भूल गया मैं कौन हूँ कहाँ हूँ। कितना किराया तुम्हारा बोल? 200 रुपए। ये लो ये लो ये लो। ये तो सिर्फ 175 रुपए है। 25/6 तारीख को आकर ले जाना, इसी बहाने एक मुलाकात तो हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, इतने जल्दी थप्पड़ भूल गए? मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो बेशर्म की तरह यहाँ और गंदी तस्वीरें खिंचवाने आते हैं। याद रखो मैं पंडित राम शर्मा की बेटी हूँ। 6 तारीख को आऊंगी, 25 रुपया तैयार रखना, समझे? बाप रे, लड़की है कि शेर नहीं? ये लो भैया कार्ड, तुम्हें तो इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपनी बहन की शादी की कार्ड ही ले आओ। अरे तुझे शादी की इतनी जल्दी थी इसलिए तो कार्ड लेकर आ गई, वरना मुझ पर मेरी बहन इतनी भारी नहीं कि इतनी जल्दी उसे घर से निकाल दूं। अब बता ये कार्ड किस किस को बांटने? जिसे बांटना हो उन्हें बांट देना, लेकिन हाँ मेरी सहेली की लिस्ट मैं तैयार करके दूंगी। और देखो शंकर और उमा, उनको कार्ड भेजना ना भूल जाना। बिल्कुल नहीं। अच्छा तू एक काम कर, तू जा, मुझे बहुत से काम करने। जा 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 जा। भरी रातें ये प्यार भरी शामें हम कैसे गुजारेंगे, याद तुझे करके बस आहें भर भर के नाम तेरा पुकारेंगे। दिलिया हमने दिल दिया, दिल दिया हमने दिल दिया, दिल दिया हमने दिल दिया, दिल दिया हमने दिल दिया। हमें आते देख कर फूल कहते हैं वो आ रहे हैं, देखो हमें आते देख कर फूल कहते हैं वो आ रहे हैं। ये तो दीवाने वही हैं जो आग गुलशन में भड़का रहे हैं। गली गली मह गई, गली गली बह गई दिल्लिया हमने दिल दिया, दिल दिया हमने दिल दिया, दिल दिया हमने दिल दिया, दिल दिया हमने दिल दिया। दिल दिया
पे लुटा देंगे हर खुशी, हमने ऐसा इरादा किया है। इसी बहाने से कहे चलो जमाने से कहे दिल दिया हमने दिल दिया हमने दिल दिया। रंग भरी रातें ये प्यार भरी शामें हम कैसे गुजारेंगे, याद तुझे करके बस वही भर भर के नाम तेरा पुकारेंगे। दिल दिया हमने दिल दिया चल के देखे तो चलो चलो उमा तुम यहीं रुको मैं देख कर आता हूं। नहीं नहीं मैं भी चलूंगी। तुम ऊपर कैसे चढ़ोगी, ठहरो ना यहां मैं देख कर आता हूं। तो निशान तक नहीं है, ना खून है ना खूनी है ना मुर्दा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हो सकता है खूनी ने मुझे देख लिया हो और भाग गया हो। और मुर्दा भी भाग गया? तुम्हें यकीन नहीं आता? मुझे मालूम है ये सब जासूसी नावलों का असर है जिसे तुम दिन रात पढ़ती रहती हो। लेकिन शंकर मैंने अपनी आंखों से देखा है। वाह भाई वाह, मैं तुम्हारी नजर की तारीफ करता हूँ जिसने वो खून भी देख लिया जो हुआ ही नहीं। ओहो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, उन दोनों की तस्वीर मेरी आंखों में घूम रही है, जिसने खून किया है और जिसका खून हुआ है। मैं उस खूनी को लाखों की भीड़ में पहचान सकती हूं। अच्छा बाबा अच्छा, तुम खूनी को पहचान लेना, मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ओके चले। नहीं जी, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये जज साहब का घर है। रॉन्ग नंबर। जीते रहो, मैं तो आज भी लड़कों को तुम्हारी मिसाल देता हूं। इतने बड़े जज बन गए लेकिन अब भी अपने पुराने मास्टर के सामने झुकते रहो। मास्टर जी बैठो। अरे भैया कचहरी नहीं गए? यो ही जी नहीं जा, आज पहाड़ी की सैर करने चला गया था। आप तो कभी सैर करने जाते नहीं, आज क्या बात है? कोई बात नहीं, जो काम कभी ना किया हो कभी कभी करने को जी चाहता है। मास्टर जी ये मेरा छोटा भाई शंकर, इंजीनियरिंग पास कर ली। नमस्ते मास्टर जी। जीते रहो बेटे। अरे भाई शंकर, मास्टर जी के लिए कुछ नाश्ते का इंतजाम करो। और कहिए मास्टर जी क्या खबर है? आज मैं खबर सुनाने नहीं आया, रिश्ते की बात करने के लिए आया। अच्छा शंकर की? नहीं तुम्हारे। छोड़िए ना मास्टर जी, इस उम्र में मैं घोड़ी पर बैठते हुए अच्छा लगूंगा? शेखर बेटे तुम अभी इतने बूढ़े तो नहीं लगते। आप तो जानते हैं मास्टर जी,
नीलू मेरी जिंदगी से क्या गई, मेरे सारे शौक सारे बलबले उसके साथ चले गए, दिल कुछ बुझा गया और जिंदगी सिर्फ एक फर्ज बनकर रह गई। सर पूछिए मास्टर जी। मैं अपने छोटे भाई शंकर की खातिर जी रहा। ये ठीक है कि तुम शंकर के लिए जी रहे हो, लेकिन अब तुम्हें शंकर के लिए शादी भी कर लेनी चाहिए। क्यों बेटे? हाँ भैया, मास्टर जी ठीक ही तो कह रहे हैं। इस घर को एक औरत, मुझे एक भाभी और आपको एक साथी की सख्त जरूरत है। ये तुम कह रहे हो शंकर? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ, आपका छोटा भाई, आपका बेटा। आपने शादी की है तो ठीक है भाई साहब, लेकिन भाभी कितने दिन रही आपके साथ? एक महीने में तो बेचारी परलोक से धार गई, लेकिन आपने अपनी जिंदगी को एक बंद कब्र बना लिया। उसकी धुंधली सी याद की खातिर आपने अपनी तमाम उमंगों को, अपनी तमाम आरजुओं को मौत के कफन पहना दिए भैया। शंकर ठीक ही कहता है शेखर बेटे। मास्टर जी मुझे कुछ सोचने का वक्त दीजिए। आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं भैया। मास्टर जी आप मुझसे बात कीजिए। भैया की शादी के बारे में फैसला मैं करूंगा, आप बताइए लड़की कौन है। लड़की हमारे गांव की ही है। एक जमाने में अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। राय बहादुर सीताराम जी का नाम तो तुमने सुना ही होगा बेटे। राय बहादुर सीताराम जी? आप सुनने की बात कर रहे हैं मास्टर जी, मैं तो उन्हीं के वजीफे पर पढ़ा हूँ। वंडरफुल, लड़की के बाप के वजीफे पे आप पढ़े हैं भैया और आपके वजीफे पे मैं। मास्टर जी आप जल्दी से लड़की का नाम बताइए। लड़की का नाम भी जानकी है और गुण भी जानकी के ही है। मैं उसकी तस्वीर भी लाया हूँ, लो देखो। वाह, हमें तो भाभी पसंद आ गई भैया। देखिए ना भैया, आप भी देखिए। सिर्फ एक ही चीज की कमी है, लड़की जज साहब की तरह पढ़ी लिखी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मियाँ बीवी दोनों पढ़े लिखे हों तो घर में शास्त्रार्थ बहुत होता है, जिंदगी में अर्थ बिल्कुल नहीं रहता। शेखर बेटे तुम चाहो तो लड़की देख सकते हो। इसकी कोई जरूरत नहीं मास्टर जी, समझ लीजिए कि मैं शंकर की जिद पूरी कर रहा हूं और राय बहादुर सीताराम जी का पुराना कर्ज उतार रहा हूं। वो ना होते तो शायद आज मैं जज नहीं होता। ये गई। वाह 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 वाह, अब बात बड़ी, अब कहां जाएगी तू? वंडरफुल आइडिया मिल गया। अरे वाह। हो तो आज 6 तारीख है। आइए 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 सती सावित्री जी, आइए। मेरा नाम सती सावित्री नहीं, हेमा है। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप ही उस दिन बड़ी शान जता रही थी कि आप दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हैं। आप बड़ी शर्मीली हैं, बड़ी लजीली हैं, लेकिन बड़ी भड़कीली हैं, इसलिए मैंने आपको सती सावित्री कह दिया। पक पक बंद करो, पैसे निकालो और मुझे जाने दो। आपके तो हमने भी फैसला कर लिया है कि पैसे देंगे तो सती सावित्री के बाप को देंगे, बाप की बेटी को नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि चंद पैसों के लिए तुम क्या से क्या बन सकती हो। क्या बकते हो? हम बकते नहीं, जो कहते हैं सबूत के साथ कहते हैं, सबूत के साथ। ये देखिए सबूत सामने आ रहा है, सबूत सामने आ गया। नहीं बिल्कुल नहीं, ये मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन है ये? ये तस्वीर मेरी है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिल गई? मैंने तो कभी ऐसी तस्वीरें नहीं खिंचवाई। इसका सीधा जवाब यही है कि बिना खिंचवाए से कोई तस्वीर नहीं आती। ये तस्वीरें बिल्कुल तुम्हारी मर्जी के साथ खींची गई है। वाह 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 वाह, पंडित राम शर्मा कितने खुश होंगे अपनी बेटी की तस्वीर अखबारों में देखकर। नहीं ऐसा मत करो, अगर पिताजी ने तस्वीरें देखी तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। ये तो बिल्कुल और भी ठीक है, एक पला और टलेगी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तो फिर अपने पिताजी को बचाने का और अपना मुंह दिखाने का एक ही रास्ता है। क्या है जल्दी बताओ। देखो हम तुम्हारे हो चुके हैं, तुम हमारी हो जाओ। लेकिन पिताजी को पता चल गया तो क्या होगा? अरे तो क्या होगा, पंडित हैं, मुहूर्त निकालेंगे। चट मंगनी पट ब्याह। अच्छा मैं तैयार हूँ। देखो ना मेरा दिल तुम्हारे लिए यू यू कर रहा है। यू यू कर रहा? अरे वेरी गुड वेरी गुड, सब नजदीक आओ। मुझे शर्म आती है। रिश्तेदार तस्वीरें। अच्छा बाबा आती।
आती हूँ। आओ आओ और नजदीक। देखो हेमा, उस दिन तुमने इस गाल पर थप्पड़ मारा, तब से ये गाल हंस रहा है और ये रो रहा है, इसे भी हंसा दो ना। थप्पड़ मार के? प्यार करके। क्या? रिश्तेदार फोटो। अच्छा बाबा अच्छा। दीदी की शादी, वेरी गुड दीदी, ये काम तो तुम्हें पहले ही करना चाहिए था। कौन सा काम हुआ? मेरी दीदी की चिट्ठी आई है, उनकी शादी होने वाली है। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मगर कब? इस महीने की 29 तारीख को, मुझे आज ही जाना होगा, जा सकती हूँ सर? हाँ हाँ सर, अगर आप मेरी दीदी की शादी में आ सके तो हम सबको बड़ी खुशी होगी। नहीं बेटी, ये कैसे हो सकता है, तुम तो देख रही हो कितना काम पड़ा हुआ है। देखो अपनी दीदी की शादी पर मेरी तरफ से छोटी सी भेंट दे देना। शंकर तुम कब आए? कमाल है, तुम्हारे सर के पीछे भी आंखें हैं क्या? तुम्हें पहचानने के लिए आंखों की जरूरत है क्या? ये बताओ तैयारी कहाँ की हो रही है? मेरी दीदी की शादी है, आओगे ना? तुम्हारी दीदी की शादी और मैं ना आऊं? जरूर आऊंगा, मेरे भैया की भी शादी है, तुम्हें भी आना होगा। तुम्हारे भैया की शादी है और मैं ना आऊं? जरूर आऊंगी। कब है? 29 नवंबर। मर गए, उसी दिन तो मेरी दीदी की शादी है। मर गए, फिर तो मैं भी नहीं आ सकता। अजीब सिचुएशन है, तुम नहीं आ सकती, मैं भी नहीं आ सकता, हो गया ना क्लैश। क्या करे? नो वे आउट। ये रहा तुम्हारा इन्विटेशन, कम से कम टेलीग्राम ही कर दे। लौटा क्यों रही हो? मेरी दीदी की शादी का इनविटेशन, कम से कम टेलीग्राम तो कर देना। ये तुम्हारी दीदी है? नहीं, और ये तुम्हारे भैया, इज इट वंडरफुल? हे वंडरफुल। गर्दन नीचे। हाय हाय, और कितनी देर लगेगी? मेरी तो गर्दन टेढ़ी हो गई। चुप करके आराम से बैठो दीदी, तुम्हें क्या मालूम मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ। कितना बड़ा काम कर रही है तू? मैं एक देहाती गंवार अल्लड़ लड़की को नए मॉडल की नेम बना रही हूँ। चल हट, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं जैसी भी हूँ उन्हें मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अच्छा, कहीं मेरी नजर न लग जाए दीदी, तुम तो किसी रियासत की रानी लग रही हो। लो देखो। हाय राम, अरे अरे ये क्या कर रही हो? लोग घूंघट ओढ़ते हैं, तुमने तो पूरा तंबू तान लिया, सारी सुंदरता छुप गई। और क्या करूँ, बेशर्म होकर सिर नंगा करूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, लोग देखे तो सही मेरी बहन कितनी खूबसूरत है और उसके दूल्हे ने कितने अच्छे अच्छे गहने दिए हैं। गहने क्या लोगों को दिखाने के लिए होते हैं? हाँ दीदी, गहने और सुंदरता लोगों को दिखाने के लिए तो होते हैं। हैराम दीदी, ये हैराम हैराम क्या लगा रखा है? अब उस नए घर में ऐसी बातें नहीं करना, तुम एक जज की बीवी, एक वकील की बहन और एक इंजीनियर की भाभी हो। अच्छा, वो इंजीनियर है? कौन? वही, उनका भाई तेरा वो। तुम्हें कैसे मालूम दीदी? मैं अनपढ़ जरूर हूँ पर तेरे दिल की किताब तेरे आंखों में पढ़ सकूं। चलो अरे बारात आ गई, चलो चलो दूल्हा देखते हैं। दूल्हा देखने जा रही है या अपने उसको? चलो आ जाओ। इस शादी से इनकार कर दो दीदी, इनकार कर दो इस शादी से। क्यों? मैंने तुम्हारा दूल्हा देखा है, वो खूनी है। उमा। हाँ दीदी, वो खूनी है, खूनी है, खूनी है। मैंने उसे अपनी आंखों से खून करते हुए देखा है। भगवान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम तो कहोगे खूनी के भाई जो ठहरे। अगर ये बात थी तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? कैसे कहती, मुझे तो अभी देखने के बाद मालूम हुआ कातिल तुम्हारा अपना भाई है।
पहले मैं समझता था वो तुम्हारी नजर का धोखा था, अब मालूम होता है उसमें दिमाग की खराबी भी शामिल है। मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। मेरी आंखों में खूनी की तस्वीर खिंच गई थी, आज उसे देखने के बाद मालूम हुआ दुनिया की हर चीज छूटी हो सकती है, वो तस्वीर भी। दीदी मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, इस शादी से इनकार कर दो। तुम्हें नहीं मालूम अग्नि के गिर दिए सात फेरे तुम्हारे लिए कितने महंगे पड़ेंगे, और तुझे नहीं मालूम ये फेरे नहीं पड़ेंगे तो क्या होएगा। इस चौखट पे फिर कभी बरात नहीं आवेगी, हमारे घर का नाम सारे गांव में बिखरे फिरेगा, सारी दुनिया थोतो करेगी हम पे, फिर मेरा क्या होएगा, तेरा क्या होएगा। दीदी सच पूछो तो अब दुनिया को दिखाने की खातिर सिर्फ फेरे बाकी हैं। मेरी शादी तो समझ लो उसी वक्त हो गई थी जब उन्होंने मुझे पत्नी स्वीकार किया और मैंने उन्हें पति मान लिया। ओफो दीदी तुम भी कौन सी हजारों साल पुरानी दकियानूसी बातें ले बैठी हो। मेरी बातें हजारों साल पुरानी हो सके पर किस्मत उससे भी ज्यादा पुरानी है। तू कहती है मेरे पति ने शादी से पहले खून किया, मैं पूछूं कोई पति शादी के बाद खून करे फिर क्या होएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा दीदी, इस शादी से इनकार कर दू। मैं आखिरी बार तुम्हारे पांव पड़ती हूँ दीदी, और मैं पहली बार तुझसे भीख मांग रही हूँ। इस सुख कार्य विघन मत डाल। शादी ब्याह की कुंडलियां आसमानों में बने हैं, उन्हें देवता तैयार करे हैं और भगवान की मोहर हो गए है उनपे। इंसान सब कुछ कर सके है उमा, पर वो कुंडलियां ना बदल सके, वो मोहर ना मिटा सके। ठहर जाओ आरती उतार दूं। आओ बहू रानी। आओ। जानकी यह है मेरा घर जो आज से तुम्हारा। शंकर इधर आओ, यह है मेरा छोटा भाई जिसे मैंने बेटे की तरह पाला है। यह आज तक मेरे पास मेरे माँ बाप की अमानत, आज यह अमानत मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जी तेरा तुम्हें मेरी उम्र लगे। चलो आइए। अब मुंह छुपाने से क्या फायदा, हमने सुना है कि तुमने इस घर में आते ही चोरी की है। चोरी? मैंने क्या चुराया? हमारा दिल, इसलिए तुम मुजरिम हो, पर अदालत मुजरिम को एक गाना सुनाने की सजा देती है। मुझे गाना नहीं आता। सिनेमा देखा है? ड्रामा देखा है? नौटंकी देखी है? हाँ, नौटंकी तो बहुत देखी है। बस तो उसमें तो गाने होते हैं, सुनाओ। मुझे शर्म आती है। पहली रात को हर लड़की शर्माती है। गाना सुनाओ, हमारा हुक्म। आप उधर जाके आंखें बंद कर लो। तू कठपुतली ना मेरे हाथ तेरी दो, तू कठपुतली ना मेरे हाथ तेरी दो।
फोटो खिंचवाना है। हाँ हाँ जरूर खिंचवाइए। कौन सा साइज? फुल साइज। आइए आइए यहाँ खड़े हो जाइए। हाँ हिंदी का नहीं आप? हाँ जरा इस तरफ। हाँ ज्यादा हो गया। जरा इस तरफ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है? क्या समझते हैं अपने आप को? क्या समझते हैं आप? नो नो नो, बहन जी मुझे मिसअंडरस्टैंड किया। बॉम्बे में मिस इंडिया सिलेक्शन है, मैं मेरा फोटो वहाँ भेजना है। वो फोटो कपड़े उतार कर बन सकते हैं। ओ मिस्टर इंडिया, कपड़े उतारने से पहले ये तो सोच लेना चाहिए कि मदर इंडिया तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। खैर मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। हाँ अब बेशक सब कपड़े उतार दो। नाइस नाइस नाइस, नाउ गिव नाइस पोज। आर उस्ते जमा, कम ऑन रेडी, गिली 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 गिली। कम ऑन कदम, अभी कल आकर अपनी फोटो ले जाना। कम ऑन, हरी अप हरी अप हरी अप। मिस्टर इंडिया, क्या अपने कपड़े भी कल फोटो के साथ लेने आओगे? जाओ जाओ जाओ। बस बस नहीं नहीं जानकी, तुम भी तो बैठो, खाओ, बैठो बैठो। जी नहीं, मैं बाद में रसोई में खा लूंगी। एक औरत के आ जाने से कितना फर्क पड़ जाता है भैया। एक सराय घर बन जाती है और एक घर मंदिर। हमें तो अब मालूम हुआ कि इस मंदिर की दूसरी मूर्ति भी वहीं तराशी गई है जहां से पहली देवी आई है। भैया हलवा खाइए ना, कितना अच्छा बना है। हलवे का बहाना करके बात टाल रहे हो? बात कहाँ टाल रहा हूँ, मैं तो उन हाथों की तारीफ कर रहा हूँ जिन्होंने शाहकार बनाया है। हमारी ज्यादा तारीफ ना करो भैया, नहीं तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। बस बस वो जो कह रहा है तुम्हें नहीं मालूम,
तुम्हारी तारीफ के पर्दे में अपने दिल की अर्जी पेश कर रहा है तुम्हारे सामने। फैसला तो ये दोनों पहले ही कर चुके हैं, ये तो झूठ मूठ की अर्जी है। इतनी मिर्ची डाल दी भाभी, ये पहली दफा सुना है हलवे में मिर्ची। हलवे में उमा क्या बात है, तुम खाना नहीं खा रही? अच्छा नहीं लगा क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे भैया, उमा बचपन से ही भाभी के हाथ का खाना खाती रही है, उसे वो मजा कहाँ आएगा जो हमें आ रहा है। क्या उमा? सुनिए उमा, अपने शहर आपस जा रही है। शहर नहीं शहर, और आपस नहीं वापस। बोलो शहर। हाँ वापस। शाबाश। आओ। उमा उमा, तुमसे तो तुम्हारी बहन अच्छी है, वो तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी ना सही, लेकिन कम से कम सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर बात तो कर सकती है। उमा बहुत शर्मीली है। जानकी, तुम्हारी बहन की तरह हमने भी कानून पढ़ा है, जज बनने से पहले हम भी वकील थे, हम चेहरे के पीछे की कहानी पढ़ सकते हैं, और हमें यह भी मालूम है कि उमा को हमारा चेहरा पसंद नहीं, उसे तो हमारी शादी भी पसंद नहीं थी। भैया भैया, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? तुम चुप रहो, हम तुमसे बात नहीं कर रहे। छोड़िए ना, आप भी कौन सी बातें ले बैठे? आप भी चुप रहिए। उमा हमारी तरफ देखो, देखो तुम वकील हो, तुम्हारा मुकदमा अगर सच्चा है तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हारी आवाज में शेर की गरज होना चाहिए, दलीलों में तलवार की तेजी और दिल में फौलाद भरा होना चाहिए। आपने मेरे दिल का फौलाद देखा ही कहा है। हमें तुम्हारा जवाब पसंद आया, लेकिन तुमने हमारे असली सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? वही जो मैं आपको दूल्हे के लिबास में देखकर चौंक गई थी। हाँ वही। मैं सचमुच चौंक गई थी। हाँ हाँ बोलो। मैं हैरान थी कि मेरी बहन की शादी आप जैसे आदमी के साथ कैसे हो सकती है। तुम्हारी इस तारीफ का शुक्रिया। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ऐसे भी क्या जल्दी, कुछ दिन तो ठहरती। हाईकोर्ट में एक मुकदमा पेश है और बैरिस्टर साहब के साथ मेरी भी पेशी जरूरी है। ओह आई सी, विश यू ऑल द बेस्ट। चलो उमा। दीदी दीदी, मैं तुम्हारे खत का इंतजार करूंगी, मुझे सब कुछ लिख देना, कुछ नहीं छुपाना मुझसे, फिर वही बचपना। बूट के तस्मे बांध देती हो ये तो मान लिया, लेकिन गांव में रहकर ये टाई को गांठ लगाना कहां से सीखा? बचपन से, जब से बाल बनाना सीखे मैं तो 100 तरह के गांठ लगा सकूं। लगा सकूं नहीं, लगा सकती हूं। हां लगा सकती हूं। हां अच्छा तो ये बताओ, कोई ऐसी भी गांठ लगा सकती हो जो उम्र भर ना खुले? हां चलो हमें बांध दो पल्लू पर, कस के गिरा लगा तो कस के। लोग सच कहे हैं, शुरू शुरू में, शुरू शुरू नहीं, शुरू शुरू, शुरू शुरू, शुरू शुरू में मरे झूठी तारीफ करे हैं। हम तो आखिर में भी करेंगे और आखिर तक करेंगे। मैं अभी आपका कोट लेकर आ। अरे अच्छा, कोट का बहाना ढूंढा है हमारी बाहों से निकलने। क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए। अरे हाँ जानकी, आज मुझे लौटने में देर हो जाएगी। क्यों? आज बार एसोसिएशन की मीटिंग है और डिनर की, तुम खाना खा लेना, मैं इंतजार नहीं करूँ। इंतजार तो मैं करूंगी, बेशक आप देर से आए। हमेशा की तरह। सुनिए थैंक यू। ये देखो इंसाफ झूमता हुआ आ गया। ये है जज साहब की असलियत,
दिन को बड़े शरीफ बनते हैं और रात को ऐसी बेशर्मी पर उतर आते हैं। एक हाथ लड़की के गर्दन में और एक हाथ में एक शराब की बोतल। अरे यार, ये तो सब कुछ कर चुके हैं, बस खून करना बाकी है। कौन कहता है खून शायद कर चुके हो? अरे भाई, इसे जज की कुर्सी किसने दे दी? ये जज साहब दुनिया भर का फैसला करते हैं, इनका फैसला करने वाला कोई नहीं। पछताई मेरा पाला।
तुम बीच में आ गई नहीं तो सालों में टुकड़े कर देता। जान दो ना जाने। अभी तक सोए नहीं भैया? वक्त देखा आपने? मैं पूछता हूँ ये इंसाफ है क्या? क्यों, क्या बात है? मैंने किसके साथ बेइंसाफी की है? भाभी के साथ। शादी से पहले बात और थी, आप किस वक्त घर आते थे, खाना खाते थे या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब दो आंखें हैं जो हर घड़ी दरवाजे पे लगी रहती हैं, एक दिल है जो आपकी राहों पे बिछा रहता है। मुझे मालूम है। क्या मालूम है भैया, भाभी बेचारी ने अब तक एक पलक नहीं झपकी, अनाज का एक दाना तक नहीं खाया। आपके इंतजार में कभी इस कमरे से उस कमरे तक जाती, कभी उस कमरे से इस कमरे तक। मैंने तो कई बार कहा भाभी एयर कंडीशनर चलाओ और सो जाओ दूसरी बीवियों की तरह, मगर किया क्या जाए, भाभी हमारी दूसरी औरतों की तरह नहीं है। जरूर सो जाना चाहिए था, मैं तो कही गया था कि मुझे आने में देर हो जाएगी। मगर देर भी कितनी देर भाई, पहले खाना खाकर रहे, बाद में गपशप लड़ाते रहे, पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। वक्त तो भाभी से पूछे भैया कैसे गुजरा है, जो हर सेकंड घड़ी देखती थी, हर मिनट टाइम पूछती थी, या फिर मुझसे पूछिए जिसकी जुबान सूख गई है टाइम बताते बताते। नहीं शंकर नहीं, तुम्हारे भैया कही गए थे कि देर से आएंगे, मैं खुद ही नहीं सो सकी, खामखा इंतजार कर रही थी। वाह, चोर के गवाह जेब कतरे। लो सुन लिया, हमें चोर बना दिया और तुम्हें जेब कतरी है। इसमें हंसने की क्या बात है, डोंट लाफ। मुझे तो भाभी पे तरस आता है, सुबह सबसे पहले जागती हैं, रात को सबसे बाद सोती हैं, 12 घंटे कभी इस पैर पे कभी उस पैर पे खड़ी रहती हैं। आपकी तरह कचहरी में सारा दिन कुर्सी नहीं तोड़ती, उस पर भी रात रात भर इस तरह जागना पड़े, भला ये भी कोई बात है भैया? तो अब क्या करूं, तुम्हारे हाथ जोड़ू या तुम्हारी भाभी के पांव पड़ू? हाँ पढ़ना ही चाहिए। हाँ अच्छी बात है, लो हम शंकर की भाभी के आगे घुटने टेक कर हाथ जोड़कर उनसे क्षमा की भीख मांगते हैं और कान पकड़ कर ये वायदा करते हैं कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब कहो तो नाक से लकीरें भी खींचूं? हाँ खींचे खींचे खींचे। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप, ये कमाल है देवर जी, बात तुम दोनों भाइयों की हो और पाप मुझ गरीब के साथ चढ़े। चलिए उठिए उठिए ना। नहीं भाई, इस मुकदमे का जज ये है। क्यों जज साहब, अब तो फैसला हो गया ना, इंसाफ हो गया ना, उठूं अब? अरे बोलो ना, उठूं? उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए। चलो बहुत देर हो गई, अब जाकर सो जाओ, चिल्ड्रन शुड बी इन बेड बाय 9 o'clock। भैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ हाँ हमारे लिए तो बच्चे ही हो, चलो जाओ जा। ओके गुड नाइट भैया। भाई हो तो ऐसा है? बहुत देर हो गई ना, डॉग पपी तो ठीक है। आइए 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 आइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, वक्त में बाद में होती रहेगी फुर्सत से, पहले किराए की बात करो। मैं जब भी लड़की को भेजता हूँ तो शहर से गायब। आज अच्छे पकड़े गए ना बच्चू, चलो जल्दी से गायब किराया। पंडित जी किराया तो आज नहीं है मेरे पास। क्या कहा? आप गुस्से मत हुआ कीजिए, आपके गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। गुस्सा नहीं तो क्या प्यार करूं? तुम मेरा एक काम कर दोगे तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फोटोग्राफर हो ना? अजी फोटोग्राफर, फोटोग्राफर भी कैसा फोटोग्राफर, ओनली वन इन इंडिया। चाहूं तो औरत को मर्द बना दूं, मर्द को औरत बना दूं। बोलिए आपको क्या बनना है? मुझे कुछ नहीं बनना है, बनाना है। मेरा एक पार्टनर है, बड़ा परेशान करके रखा है उसने मुझे, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। क्या तुम उसकी कोई ऐसी तस्वीर बना सकते हो जिसमें वो किसी औरत के साथ खड़ा हो? अच्छी ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप एक काम कीजिए, उसकी एक फोटो ला दीजिए, फिर देखिए उसको 10 औरतों के साथ खड़ा कर सकता हूँ। 10 औरतें? ये कैसे हो सकता है भाई? जी यही तो फोटोग्राफी का कमाल है, आप चाहें तो आपका सर उड़ाकर किसी दूसरे के धड़ पर लगा सकता हूँ। मेहरबानी करके मेरा सर मेरे ही धड़ पर रहने दे भैया, फोटो की बात करो। तो फोटो की बात भी समझ लीजिए, दो औरतों की फोटो लीजिए, दोनों के सर काट दीजिए, पहली औरत का सर दूसरी की धड़ के ऊपर, तीसरी औरत तैयार, समझ गए ना? और ये काम मैं इतना खूबसूरती से कर सकता हूँ कि वो औरत कोर्ट में भी जाकर ये नहीं कह सकती कि ये तस्वीर मेरी नहीं है। बेईमान मक्कार, धोखेबाज, तुमने इसी तरह मेरे कपड़े उतरवाए थे? चोर बदमाश, तू
तूने मेरे बेटी के कपड़े उतरवाए? जी बेटी के नहीं, फोटो के। मेहमान, तू यहाँ क्या कर रही है? वही जो आप यहाँ कर रहे हैं, आप धोखा देने के लिए आए, वो धोखा खाने के लिए आए। खबरदार जो मेरी बेटी को धोखा दिया तो। अच्छा जी 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 जी, धोखा कौन देता है? बस मुझे तो आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद? बेटी बात इतनी बढ़ गई है। हाँ पिताजी, अब आप बात को आगे मत बढ़ाइए और हम दोनों को आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। जानकी, हम जा रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं। अरे हंस क्यों रही हो? हम जा रहे हैं इसलिए? नहीं, कुछ गड़बड़ है, आप कुछ अजीब से लग रहे हैं। भाई जैसे हैं वैसे ही लगेंगे, तुम्हारी तरह खूबसूरत तो लग नहीं सकते। हाँ, आपने अपने कोट का बटन गलत लगाया है। अरे जानकी, तुमने हमें बचा लिया, वरना लोग कहते हैं कि जिस आदमी को अपने कोट के बटन लगाने की तमीज नहीं, वो दूसरों की जिंदगी और मौत का फैसला कैसे करेगा? बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। हम नहीं बना रहे, तुमने हमें निकम्मा बना दिया है। अब हम अपने हाथ से एक दिन का भी नहीं तोड़ सकते। इसकी जरूरत भी क्या है? जरूरत नहीं, जरूरत। हाँ जरूरत। अरे फिर वही जरूरत। जरूरत भी क्या है? पत्नी अगर पति के काम ना आए तो पति क्या उसका अचार डालेगा? पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन वकीलों को भी पढ़ा सकती है। अरे हाँ, पढ़ाई भी मुझे याद आया, मेरे लिए एक चिट्ठी लिख दीजिए ना उमा के नाम। भाई मुझे कचहरी जाने को देर हो रही, तुम अपने डाले देवर से लिखवा लो। और सुनो, मैं भूल गया, पपी दो। अरे शक्कर, चाय पियो। थैंक यू भाभी। आप इस तरह क्या देख रही हैं? अपने वकील को देख रही हूँ। कल रात खूब मुकदमा लड़ा तुमने मेरा। लड़ना नहीं चाहिए था क्या? मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ भाभी, जो सिर्फ आसमान की तरफ उठे हुए सोने के कलश ही देखते हैं, उन खामोश बुनियादों को नहीं देखते जिनके कंधों पर मंदिर खड़े हुए हैं। भैया इस खानदान के कलश हैं तो आप इस घर की बुनियाद हैं। बस बस तारीफ छोड़ो, मेरा एक काम कर दो। हुक्म कीजिए भाभी, आपके एक लफ्ज़ पर अपनी जान भी दे सकता हूँ, अपना खून बहा सकता हूँ। खून वून बहाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कलम चलाना है। उमा के नाम एक चिट्ठी लिख दो। हाँ क्यों नहीं। हाँ तो कहिए भाभी क्या लिखना है, बैठिए। लिखो, उमा मेरी वकील बहना। ये वकील बहना लिखने की क्या जरूरत है, सीधी सादी बहना लिखवाइए ना। अच्छा तो उमा मेरी सीधी सादी बहना। उमा मेरी सीधी सादी। हम सब अच्छे और खैरियत से हैं। तू यहाँ होती तो तुझे मालूम होता कि तेरे सारे शक झूठे थे और मेरा विश्वास सच्चा था। और तू ये भी देखती कि मैं यहाँ कितनी खुश हूँ। ये घर नहीं स्वर्ग है, यहाँ देवता वास करते हैं। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तू भी इस स्वर्ग में अपनी जगह लेने आ जाएगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी तो यही प्रार्थना है दुनिया की सब लड़कियों को ऐसा ही जीवन और ऐसा ही पति मिले। और ऐसा देवर भी मिले। क्यों, लिख दो। मेरा तो खत हो गया, अब अपने मन में जो आए लिख लो। लिख दो। मेरी प्यारी उमा, याद है तुम्हें वो दिन जब हम पिकनिक पे गए थे? मेरा नाम मैं, तेरा नाम तू। मेरा नाम मैं, तेरा नाम तू। बोल कौन झूठा? क्या? अरे मेरा नाम मैं, तेरा नाम तू। तो बोल कौन झूठा? तू, मैं तू। मैं नहीं तू, तू नहीं मैं नहीं तू। तू 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 तू। मैं नहीं तू, तू 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 तू, तेरा नाम तू, मेरा नाम मैं। बोल कौन सच्चा, बोल कौन सच्चा।
था दुनिया देखे काम नाच उठे राधा अगर मुरली तेरे शाम मैं नहीं तू 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 मेरा नाम मैं हूँ रुत बदलती तू बागों का फूल मैं ना हूँ बाग में तू बन जाए धूल मैं हूँ रुत बदलती तू बागों का फूल मैं ना हूँ बाग में तू बन जाए धूल तेरी हंसी क्या मेरा नाम चांद तेरा नाम किरण बोल कौन बड़ा की तकरार में क्या रखा है देख तेरा मेरा प्यार है हम दोनों हैं एक आपस की तकरार में क्या रखा है देख तेरा मेरा प्यार है हम दोनों हैं एक मेरी प्यारी उमा मुझे आशा है अपनी दीदी का खत पढ़ने के बाद तुम्हारे शक पूरी तरह दूर हो गए होंगे इसके बाद भी आईने पर थोड़ी सी धूल बाकी रह जाए तो तुम खुद चली आओ ना यहाँ तुम्हारी तसल्ली भी हो जाएगी हमारी मुलाकात भी तुम ना आ सको तो मुझे लिख दो मैं उड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा तुम्हारा शंकर दीदी और तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो जज साहब के दो रूप हैं और तुम लोग एक ही रूप देखते हो उमा उमा यस सर तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ कहिए वो खून तुमने अपनी आंखों से देखा था ना जी तुमने ये भी देखा था कि तुम्हारी बहन की शादी उसी खूनी के साथ हो रही है जी और तुम उस हादसे की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाना चाहती मैंने तुम्हें रोक दिया था अगर वो रिपोर्ट दर्ज हो जाती तो आज तुम बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाती क्या मतलब सर जज साहब तुम पर हर जाने का मुकदमा कर देते क्यों जो खून तुमने देखा था वो तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं था आज असली खूनी पकड़ा गया है ये देखो कुमुद का पति नहीं ये नहीं हो सकता इम्पॉसिबल उस रोज एक लड़की का खून हुआ था आज इंसाफ का खून हो रहा है उसे तो मैं बचा ना सकी इंसाफ को तो बचा सकती हूँ पर तुम अपनी सहेली का सुहाग बचाने के लिए अपनी बहन का सुहाग गुजार दोगे नहीं नहीं दीदी उमा तुम एक वकील हो कानून की परीक्षा के बाद तुमने शपथ ली थी तुम अपनी खून की आखिरी बूंद और जिंदगी की आखिरी सांस तक इंसाफ की रक्षा करोगी करूंगी जरूर करूंगी मैं किसी के लिए भी इंसाफ का साथ नहीं छोड़ूंगी क्या इसीलिए माँ बाप के बाद मैंने तुम्हारे सर पर हाथ रखा कि एक दिन तुम मेरे ही मंगलसूत्र पर हाथ डाल सको
मैंने तुम्हें पाला पोसा पढ़ाया, मैंने तुम्हारे लिए कौन सा त्याग है जो नहीं किया, कौन सी मंदिर की चौखट है जो मैंने तुम्हारी कामयाबी के लिए नहीं चुनी, उसका बदला यही है क्या कि तुम मेरे जीवन के मंदिर में आग लगा दो? दीदी आज मालूम हो गया हूँ माँ, तुम्हारे मंदिर झूठे थे, तुम्हारे देवता नकली, वक्त आने पर तुम्हारा धर्म भी गूंगा हो गया, तुम्हारा इंसाफ भी आगे चुराने लगा। मैं पूछती हूँ इसके बाद तुम सर उठा के कैसे चल सकोगी, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे दिल पे कोड़े बैठ जाएगी तो वो क्या जवाब देगा? नहीं कुमुद नहीं, मैं अपने जमीर का खून नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। तो फिर क्या करोगी, मेरे दिल का खून करोगी? मैं ये भी तो नहीं कर सकती। उमा अपनी सौगन याद करो, मेरा प्यार याद करो। उमा मैं तुम्हें अपने सुहाग का वास्ता देती हूँ, मैं भी तुम्हें अपने सुहाग का वास्ता देती हूँ। बोलो उमा जवाब दो। क्या बात है बेटी? यह अभी निर्दोष है सर, मैं इसका मुकदमा लड़ूंगी। तुम्हारा अब भी ख्याल है असली मुजरिम कोई और? जी हाँ, वही जिस पर मैं पहले शक करती थी। कोई गवाह? मैं और मेरी आंखें। कोई सबूत? सबूत तो कोई नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे अंदर जो कचहरी है उसमें बैठा हुआ जज कहता है इंसाफ का साथ दो। वेरी गुड, मैं प्रार्थना करूंगा भगवान तुम्हें शक्ति दे, और शक्ति की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में इस वक्त कैसा महाभारत चल रहा है। एक तरफ तुम्हारी बहन है और उसका सुहाग, दूसरी तरफ इंसाफ। जी नहीं, एक तरफ झूठ और झूठ के लश्कर है, दूसरी तरफ सच्चाई, अकेली बेसहारा। मैं सच्चाई का साथ देने जा रही हूँ सर। शाबाश बेटी, इस मुकदमे में अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। छोटा भाई बाहर क्या गया? आप बिल्कुल निर्लज और बेशरम हो गए हैं। छोटा भाई होता तो क्या कर लेता, शादी करके लाया हूँ, कोई भगा कर नहीं लाया हूँ। अरे उमा, उमा कितने दिन बाद आई है, मैं तो समझू थी तू तो रास्ता ही भूल गई। आओ, हमें मालूम होता हम तुम्हें लेने स्टेशन आ जाते। बस ऐसे ही अचानक प्रोग्राम बन गया। तुम बैठो अपने जीजा जी के पास, मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठो उमा। बड़ी खुशी हुई तुम आ गई। जी मैं काम से आई हूँ। काम? क्या काम? एक मुकदमा है। दीवानी या फौजदारी? फौजदारी। कुछ दिनों पहले इस शहर में शोभा नाम की लड़की का खून हुआ था। हाँ, मैंने भी अखबार में पढ़ा था। उस खून के इल्जाम में एक बेगुनाह बेचारा पकड़ा गया है, मैं उसी का मुकदमा लड़ने आई हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अरे जानकी, हम तो समझे थे कि तुम्हारी बहन यहाँ हमसे और तुमसे मिलने आई, लेकिन ये तो यहाँ एक मुकदमा लड़ने आई। जैसे भी हो, रहेगी तो मेरे पास, लेकिन दीदी हो सकता है कई महीने रहना पड़े, फिर तो और भी अच्छा होगा। शायद जीजा जी को पसंद आ रहा है। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले, इस घर में तुम्हारा राज और हम रानी जी की प्रजा। चलिए। क्यों, कुछ झूठ कहा मैंने? देखा उमा अपने जीजा जी को। उमा, ये तुम्हारा पहला मुकदमा है? जी हाँ। हम तुम्हारी जीत के लिए प्रार्थना करेंगे, गुड लक। अरे उधर क्या देख रही, चाय पी ना। कुमुद, उमा उमा तुमने देखा मेरे साथ ये क्या हो गया? घबराओ मत कुमुद, हर आदमी की जिंदगी में एक इम्तिहान का वक्त आता है। मैंने अखबार में सब कुछ पढ़ लिया है, अगर तुम्हें इतराज ना हो तो इनका मुकदमा मैं लड़ूंगी। भैया देखा कुमुद, जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है। अब तुम लोग बाहर ठहरो, मैं इनसे बातें करके आती हूँ। मिस्टर रघुनाथ, पहले तो आप ये बताइए, आप शोभा नाम की लड़की को जानते थे जिसका खून हुआ है? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। कैसे?
हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन उसने मुझसे कह दिया कि वो मुझसे प्यार करती है। फिर? मैंने फौरन उसे जवाब दिया कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन एक दोस्त की तरह, एक बहन की तरह। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझे प्रेम पत्र लिखने शुरू कर दिए। उसे रोका नहीं आपने? बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन बेकार। मेरी शादी भी हो गई लेकिन उसके खत जारी रहे। एक दिन मैंने सुना कि शोभा का खून हो गया। पुलिस ने मेरे घर की तलाशी ली, उन्हें शोभा के एक दो खत भी मिले और शक में मुझे गिरफ्तार कर लिया। शोभा रहती कहाँ थी? अपने माँ बाप के पास? जी नहीं, अपनी बहन आशा के साथ। आशा, आप हैं आशा देवी? जी हाँ, आप? मेरा नाम उमा है, मैं वकील। अच्छा अच्छा, आप ही ने फोन किया था। आइए आइए, आप बैठिए, मैं अभी आई। नो थैंक यू, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछ सकती हूँ? पूछिए। आपकी बहन शोभा के खून के लिए जो आदमी पकड़ा गया है, आप उसे जानती हैं? जी नहीं। आप अपनी बहन की कुछ आदतों के बारे में बता सकती हैं? उन लोगों के बारे में जिन्हें वो पसंद या नापसंद करती थी? जी नहीं, मैं कोई बात नहीं करना चाहती इस बारे में। देखिए, मैं पहले ही बहुत गम से सताई हुई हूँ, मुझे और मत सताइए। आप चली जाइए यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए। मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती। मेरी बहन मर चुकी है, तो हमारे सवाल जवाब से वो वापस नहीं आ सकती। प्लीज चली जाइए। मेरे पति की रक्षा करना, अपने ही सिंदूर की लाज रखना। ये लीजिए प्रसाद। आज भगवान से क्या मांगा जानती? वही जो रोज मांगती हूँ, आपके लिए लंबी उम्र, सेहत और कामयाबी। औरतों में भी कितना त्याग होता है, अपने पति के लिए सब कुछ मांगती, अपने लिए कुछ भी नहीं। जी नहीं, औरतों में बड़ा स्वार्थ होता है, वो जो कुछ मांगती है अपने लिए ही मांगती है। पति के बिना पत्नी का जीवन है क्या? अच्छा अच्छा, तुम्हें तो वकील होना चाहिए। ये लो, मैं चलता हूँ। अरे उमा, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ा है? आज पहली बार कचहरी जा रही हूँ ना दीदी, इसलिए। अच्छा, तभी चोरों की तरह खिसक रही थी? क्यों, वो बात भूल गई जब तुमने कहा था, दीदी जब मैं पहली बार कचहरी जाऊंगी तो तुम्हारा आशीर्वाद लेकर जाऊंगी? खैर, अभी क्या हुआ, मैं अभी भगवान से जाकर तेरी जीत की प्रार्थना करती हूँ। नहीं दीदी। क्यों? आज मेरी जीत की प्रार्थना नहीं करना दीदी, हो सके तो भगवान से मेरी हार मांगना। क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक कह रही हूँ, मगर क्यों? इसलिए कि मेरी जीत तुम्हारे आंसुओं में भीगी हुई होगी, वो तुम्हारे आंखों से सुलगती हुई तुम्हारे अरमानों की लाश होगी, जिससे मैंने आग दिखाई होगी। उमा। हाँ दीदी, मैंने। वकील बनने से पहले मुझे क्या मालूम था, मेरी जिंदगी का पहला मुकदमा एक ऐसा मुकदमा होगा। कैसा मुकदमा? बहुत टेढ़ा मुकदमा दीदी, जिसमें मेरा धर्म मेरे दिल से आकर उलझ गया। तू अपने धर्म का कहा मानू माँ, अपने दिल की आवाज मत सुन। कैसे नहीं सुनू, मेरा दिल रो रो कर कहता, एक नजर देख अपनी दीदी की तरफ, उसकी मांग में चमकता हुआ सिंदूर देख, उन जुड़ियों को देख जिनकी खड़क में एक सुहागन का दिल धड़कता है। अगर मैं ये मुकदमा जीत गई दीदी, तो तुम्हारा स्वर्ग जल जाएगा, तुम्हारी मांग का सिंदूर लुट जाएगा, तुम्हारी चूड़ियों की खनक में सुहाग का राग नहीं, एक विधवा की चीखें होगी।
गुनाह के लिए जिंदगी और तुम्हारे पति के लिए मौत मांगने जा रही हूँ। अब बोलो दीदी, अब भी तुम मुझे आशीर्वाद दे सकती हो? हाँ, अब भी दे सकती हूँ। मेरा विश्वास मोम का बना हुआ नहीं है, मुझे अपने पति में उतना ही विश्वास है जितना भगवान में होता है। मैं हर रोज जिस सिंदूर से अपनी मांग भरती हूँ और अपने पति के जीवन की प्रार्थना करती हूँ, आज मैं उसी सिंदूर से तुम्हारे माथे पर तिलक लगाकर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम्हें विजयी करे। नहीं दीदी, ऐसा जुल्म ना करो दीदी, ऐसा जुल्म ना करो। जुल्म नहीं, परीक्षा है मेरी। आज मेरे सामने भी एक मुकदमा आन पड़ा है। एक तरफ मेरे पति का जीवन, दूसरी तरफ मेरी बहन की जीत। एक तरफ तुम्हारे शक के अंधेरे, दूसरी तरफ मेरे विश्वास का दिया। अगर आज मैं आशीर्वाद न दे सकी तो मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारे शक के अंधेरे जीत गया और मेरा विश्वास हार गया। ठहरो, तुझे मेरी कसम, अगर आज तू तिलक लगवा भी ना जाएगी तो मेरी लाश देखेगा। दीदी, जिस तरह तुझे कानून और इंसाफ में विश्वास है, उसी तरह मुझे अपने पति और भगवान में विश्वास है। इसीलिए मैं आंखों में आंसू लाए बिना तुझे हंसते हंसते आशीर्वाद देती हूँ। जा, तुझे विजय हो। मुलजिम रघुनाथ, तफा 302 के मातहत तुम पर शोभा नाम की लड़की के कत्ल का जो इल्जाम लगाया गया है, तुम उसका इकबाल जुर्म करते हो? जी नहीं। सरकार की तरफ से वकील? योर ऑनर। ऑल राइट मिस्टर सिन्हा, सफाई के लिए कौन वकील है? मैं योर ऑनर। उमा, तुम? अदालत को कोई एतराज है? बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे इस अदालत पर एतराज है। क्या है एतराज? मुझे माफ कीजिए योर ऑनर, मेरा ख्याल है आपका इस मुकदमे से गहरा सम्मत होने के कारण आप बेलौस और बेलाग फैसला नहीं कर सके। कहना क्या चाहती हो? मेरा इस मुकदमे से जज के अलावा और भी कोई संबंध है? जी हाँ, मैं कोशिश करूंगी आप गवाहों के कटहरे में खड़े हों, जज की कुर्सी पर ना बैठे। मिस उमा, आप अदालत में पहली बार पेश हो रही है, इसलिए शायद यहाँ के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं। एक जज को गवाहों के कटहरे में खड़ा करना तो दूर की बात है, इस मुकदमे को दूसरी अदालत में ले जाने के लिए आपको हाई कोर्ट में अर्जी देनी होगी। अर्जी मैं दे चुकी हूँ योर ऑनर। गुड, तो ये मुकदमा अगले महीने की 10 तारीख तक मुलतवी किया जाता है। अरे जानकी, उमा नहीं आई, जाओ उसे ले आओ। ये वकीलों और जजों में तो नोक झोंक हमेशा लगी रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग इकट्ठे घर नहीं जा सकते। जाओ ले आओ। उमा, ये क्या कर दिया उमा बहन तुमने? तुमने तो सीधे जज साहब पर ही उंगली उठा दी। अरे वो सिर्फ जज ही नहीं, तुम्हारे बहनोई भी हैं। अरे बाबा, कहीं तुम्हारे खानदान में कोई गड़बड़ घोटाला ना हो जाए। मैं इस मुकदमे के लिए अदालत बदलना चाहती हूँ। तुम वकील बदलना चाहती हो क्या? नहीं नहीं उमा, भैया का ये मतलब नहीं था। देखो कुमुद, ये मुकदमा तुमने नहीं दिया मुझे, मैंने खुद लिया है अपने हाथ में। दुनिया का कोई रिश्ता, अदालत का कोई जज इंसाफ से बड़ा नहीं। उमा, चलो, तुम्हारे जीजा जी इंतजार कर रहे हैं।
योर ऑनर, मिस्टर शेखर ने इस अदालत में जो अपनी शहादत दी है उसके बारे में मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। इजाजत है? इजाजत है। थैंक यू। मिस्टर शेखर, आप मकतूला शोभा को जानते थे? जी नहीं। आप शोभा की बहन आशा को भी नहीं जानते? उनसे एक बार मिल चुका। कब और कैसे? जिन दिनों में मैं वकालत करता था, एक मुकदमे के सिलसिले में उनसे मुलाकात हुई थी। और उस सिलसिले से फिर दूसरा सिलसिला शुरू हो गया, आपका और आशा का। बात फिर वहां भी नहीं रुकी, आपने आशा को छोड़कर उसकी बहन शोभा पर डोरे डालने शुरू कर दी। ये झूठ है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये मुकदमा मुलजिम रघुनाथ पर हो रहा है या जज शेखर पर? मुलजिम रघुनाथ को बेगुनाह साबित करने के लिए ये जरूरी है मैं इस अदालत को बताऊं इस मुकदमे और इस जुर्म में मिस्टर शेखर का कितना हाथ है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू सर। मैं आपसे पूछना चाहती हूं मिस्टर शेखर, क्या ये भी झूठ है, शोभा ने जब आपसे जान छुड़ाने की कोशिश की तो आपने फैसला कर लिया उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया जाए और उसे एक पहाड़ी पर ले जाकर उसके गले में टाई का फंदा डालकर मार डाला? ये झूठ है। ये योर ऑनर, ये सब क्या हो रहा है? वही जो आपकी अदालत में हर रोज होता है, कत्ल का मुकदमा। फर्क सिर्फ इतना है मिस्टर शेखर, वहां आप जज की कुर्सी पे बैठे होते हैं और यहां आप गवाहों के कटहरे में खड़े हैं। अब मैं अदालत से दरखास्त करूंगी गवाहों को यहां से हटाकर मुलजिम के कटहरे में खड़ा किया जाए। मकतूला शोभा का खून मुलजिम रघुनाथ ने नहीं, जज शेखर ने किया। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये कहानी है जो घड़ी गई। ये तस्वीर भी एक कहानी है मिस्टर शेखर, एक तरफ आशा दूसरी तरफ शोभा। मैं पूछती हूँ इस बीच में आप क्या कर रहे हैं? ये तस्वीर भी झूठी। दुनिया में हर चीज झूठी है, सच्चे है तो सिर्फ आप। योर ऑनर, ये तस्वीर मैं आपके सामने पेश करती हूँ, अदालत खुद ही फैसला कर ले इसमें जज शेखर है या कोई दूसरा। योर ऑनर, मैं इस सारी कार्रवाई पर एतराज करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी शिकायत वकील सफाई के खिलाफ है जिसने इतनी बड़ी अदालत को एक तमाशा बना दिया है। एक एक मिनट के बाद यहाँ झूठी कहानियां बयान की जाती हैं, झूठी तस्वीरें पेश की जाती हैं, जजों से कह दिया जाता है कि वो खूनी है। योर ऑनर, मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं मुकदमा चलाऊंगा वकील सफाई पर इस अदालत में झूठा बयान देने का, एक बेगुनाह पर झूठा इल्जाम लगाने का। मुकदमा आप शौक से कीजिए मिस्टर शेखर, लेकिन उससे पहले जब तक आप गवाहों के कटहरे में खड़े हैं और जब तक अदालत को कोई एतराज नहीं, आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। She is right. ये मुकदमा अगले सोमवार तक मुलतवी किया जाता है। माना कि वो तस्वीर झूठी है, आप पे लगाया गया इल्जाम भी शायद झूठा हो सकता है, लेकिन इसका क्या किया जाए? जिस दिन शोभा का खून हुआ उसी दिन आप पहाड़ी पे घूमने गए, जिस जगह खून हुआ उसके थोड़े ही फासले पे उमा और मैं, हम दोनों मौजूद थे। मेरी आंख लग गई थी, लेकिन उमा ने देखा वहां कोई किसी का खून कर रहा था। उस वक्त तो सारी चीज को मैंने उमा की नजर का धोखा कहकर टाल दिया, लेकिन आपको मालूम नहीं भैया, जिस दिन शादी के लिए आप भाभी के घर पहुंचे वह आपको देखते ही चिल्ला उठी, आप ही वो खूनी है। अच्छा, लेकिन ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता भैया, उस वक्त मुझे सारा किस्सा बेबुनियाद, झूठा और मनगढ़ंत मालूम होता था। और अब? अब कुछ ना पूछे क्या हो रहा है, मेरे दिमाग के टुकड़े हो गए हैं, मेरे सोचने की शक्ति शल हो गई है भैया। ऐसे मालूम होता है मेरे विश्वास की बुनियाद पर किसने बारूद बिछा दिया है। शंकर, मुझे मालूम नहीं था अपने भैया में तुम्हारा विश्वास इतना कमजोर था। तुम इतने साल इनके साथ रहे तब भी तुमने इन्हें नहीं पहचाना। मैं तो ये सब कुछ सुनकर कह सकती हूँ, तुम्हारे भैया सब कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकते। शंकर, चलो अपने भैया से माफी मांगो, चलो। मुझे मालूम है उमा के झूठे इल्जाम से इन्हें इतना दुख नहीं हुआ जितना इस वक्त तुम्हारी बातों से हो रहा है, चलो माफी मांगो। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। पगले, इल्जाम ही तो लगा है तो साबित तो नहीं हुआ। जानी है ना, बिल्कुल बच्चा, बच्चों की तरह रो रहा है। पका पका माय बाय पका। जानी जाओ, इसके लिए कॉफी लाओ। चल चल बैठ बैठ।
हेलो कुमुद है? हाँ हाँ, मैं कुमुद बोल रही हूँ। मैं शोभा की बहन आशा बोल रही हूँ। देखो कुमुद, मुझे अभी अभी शोभा के असली होने का पता चला है। तुम्हारे पति बच सकते हैं। सच? हे भगवान। पहले मेरी बात सुनो। देखो, तुम आज रात को 8 बजे मुझसे यहाँ मेरे घर पे मिल सकोगे। तुम्हें जरूरी कागजात देने हैं जिससे तुम्हारा पति बच जाएगा और वो पापी पकड़ा जाएगा। आ सकोगी ना? कैसे नहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी। सिर्फ इतना याद रखना कुमुद कि मेरी और तुम्हारी बात किसी और के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। खूनियों के लिए खून बहुत सस्ता होता है, समझ गई ना? हाँ हाँ, समझ गई। अच्छा तो 8 बजे। अभी तो सिर्फ 6:30 बजे हैं, 1.5 घंटे कैसे इंतजार करूं? भैया भी घर पे नहीं, भगवान जाने कब आए। अरे इसने मुझे देख लिया, अब इसे भी रास्ते से हटाना होगा। आप लोगों में से कोई इसे जानता है? अच्छा हुआ एड्रेस मिल गया। जरा हाथ लगवाना भाई, अब सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई, पानी के छींटे तो ठीक हो जाएंगे। मैं चलता हूँ। आपका नाम? जयशेखर। बीबी जी, बीबी जी। हेलो, मैं उमा बोल रही हूँ, तुम्हारे साहब की वकील। जरा कुमुद को बुलाना, वो तो बेहोश पड़ी है। क्या कहा? बेहोश पड़ी है? मैं अभी आती हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। Thank you.
उमा जरा बत्ती तो चलाना। पेड़ा कर। क्या हुआ? भगवान की रस्सी छोटी है, उस खूनी की उम्र लंबी। तस्वीर तो तुमने ली लेकिन पीछे थे, शायद खूनी मुड़ गया, उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। देखो किस्मत धोखा देती है तो ऐसे देती है। अब क्या होगा? हिलना मत। तेरी आंखों में क्या देख रही हूँ? तुम्हारी आंखों में मेरा अक्स नजर आ रहा है। वो तो नजर आता ही है। अगर नजर आता है तो कुमुद की आंखें इलाज कर लो, शायद उसकी आंखों में खूनी का अक्स नजर आता हो। आइडिया, मैं भी इलाज करता हूँ। ये फोटो यहीं छोड़ जाइए, अब आपका काम खत्म होता है, पुलिस का काम शुरू। थैंक यू इंस्पेक्टर। अरे भाई उमा, जल्दी आओ। देखो समोसे ठंडे हो रहे हैं, बैठो। हाय हाय, हम आज कहीं के बादशाह ना हुए। होते तो क्या करते? सारी दुनिया लिख देते तुम्हारे नाम, जैसे जहांगीर ने अपना राज नूर जहां के नाम लिख दिया था, एक शराब के प्याले और एक छोटे से कबाब के लिए। अरे उमा खाओ। गुड मॉर्निंग सर। अरे इंस्पेक्टर, आप यहाँ कैसे आए? मुझे अफसोस है सर, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार करने? जी हाँ, कमूद और उसकी नौकरानी शांति के कत्ल के इल्जाम में। नहीं, ये नहीं हो सकता। जानकी, ये क्या कर रही है? रो मत, तुम तो मेरी शक्ति हो, संभालो अपने आप। उमा संभालो अपनी दीदी को। नहीं, चलिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। उमा मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं 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 दीदी। उमा उमा, ये क्या हो गया, क्या हो गया? मुलजिम रघुनाथ, सरकारी वकील ने दरख्वास्त की है तुम्हारे खिलाफ जो कत्ल का इल्जाम लगाया गया था वो मुकदमा वापस लिया जाए। ये अदालत उस दरख्वास्त को मानते हुए तुम्हें बाइज्जत रिहा करती है। उमा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। उमा बहन, मैं कर ही क्या सकी, ये तो मेरा फर्ज था। मुलजिम शेखर, दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत तुम पर कुमुद और शांति दो औरतों के कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो? जी नहीं। तुम्हारी तरफ से कोई वकील? योर ऑनर, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहता हूं। ऑल राइट, अलाउड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरा पहला गवाह है मिस उमा। मिस उमा, ये तस्वीर आपने खींची? जी हाँ। और आपका कहना यह है कि ये मैं हूं, ये सर किसी और का नहीं हो सकता? हो सकता है, मगर ये चेहरा किसी और का नहीं हो सकता जो मरने वाली की आंखों से झांका है। क्यों, क्या कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि
दो आदमियों का चेहरा एक सा हो? चेहरा एक सा हो सकता है, आवाज नहीं। क्यों नहीं, आवाज क्यों नहीं? क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं होते जो चार पैसे के लिए सड़कों के किनारे बैठकर परिंदों की, जानवरों की, बड़े बड़े लीडरों की आवाज ऐसे निकालते हैं कि नकल पर असली का धोखा हो जाए? लेकिन मुझे धोखा नहीं हो सकता, आवाज और चेहरा मैं दोनों अच्छी तरह पहचानती हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे कातिल, खूनी, मुजरिम को अच्छी तरह पहचानती तो फिर आप मेरे घर में कैसे रहेंगे? मुजरिम का जुर्म ढूंढने के लिए, खूनी का खून साबित करने के लिए। वेरी गुड, आपके बयान के मुताबिक मैंने कुमोद का खून किया है। आप बता सकती हैं ये खून मैंने क्यों किया है? कुमोद को आपका भेद पता चल गया होगा इसलिए। कुमोद से ज्यादा तो आपको मेरे भेद मालूम, और आप कानून भी पढ़ी, तो फिर मैंने आपका खून क्यों नहीं किया? हो सकता है आपने कोशिश की हो, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। मेरा भी यही विश्वास है, जो तुम्हें बचा सकता है वह मुझे भी बचाएगा। मैं इस कचहरी में भी बेकसूर हूं और उसकी अदालत में भी बेकसूर। आपने ठीक कहा, भगवान आपकी रक्षा करेगा। ऑर्डर, ऑर्डर। हाँ तो मिस उमा, आपने अपने बयान में कहा है कि जिस तरह कुमोद का खून होते हुए आपने देखा है, उसी तरह शंकर ने भी देखा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि शंकर का बयान शंकर से ही लिया जाए। उसके लिए समन जारी किए जा चुके हैं, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। पता क्यों नहीं चल रहा? आप तो ऐसे बन रहे हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। शंकर आप ही के पीछे भाग रहा था, फिर लापता हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। योर ऑनर, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पुलिस को हिदायत करे कि वो मेरे भाई को ढूंढे और उसकी हिफाजत करे। भैया शंकर, शंकर ये क्या हुआ? बना रखा है। ऑर्डर, ऑर्डर। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खूनी नदी में उतर गया, मैं भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन वो तेजी के साथ तैरने लगा। ये देखकर मुझे मालूम हुआ वो मेरा भाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे भैया तैरना नहीं जानते। इतना ही नहीं, जब मैं उसे पकड़ने उसके नजदीक पहुंचा तो पीछे से उसने मेरे सर पे लकड़ी मारी। जज साहब, मेरे भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, लकड़ी तो क्या कभी उंगली तक नहीं उठाई उन्होंने मुझ पर। मैं आपसे सिर्फ यही कहने आया हूँ, मेरे भैया कभी खून नहीं कर सकते, कभी खून नहीं कर सकते। मेरे भैया निर्दोष है जज साहब, मेरे भैया बिल्कुल निर्दोष हैं, मेरे भैया बिल्कुल निर्दोष हैं। मिस आशा, तुम्हारा मुजरिम शेखर से क्या रिश्ता है? हाय हाय, ये जुल्म न कीजिए हुजूर, हमारे रिश्ते को भरी कचहरी में तो न घसीटिए। साफ साफ कहो कि तुम मुजरिम शेखर की क्या लगती हो? हाय हाय, शरीफों की सभा में कहूँ तो कैसे कहूँ हुजूर कि मैं इनके रखेल लगती हूँ। तुम पहली बार मुजरिम शेखर से कब और कहाँ मिली? कई साल हो गए सरकार, ये वकालत कर रहे थे और मैं एक मुकदमे के सिलसिले में इनके पास गई। वो मुकदमा तो कब का खत्म हो गया हुजूर, लेकिन ये मुकदमा अब तक चल रहा है। कौन सा मुकदमा? हाय हाय, मेरा और इनका मुकदमा हुजूर, जिसमें दिल ही मुजरिम है, दिल ही गवाह है, दिल ही वकील है और दिल ही मजिस्ट्रेट है सरकार। ऐसी ही बात है तो तुमने मुल्जिम से शादी क्यों नहीं की? शादी की बात छेड़कर तो बस हुजूर ने मेरे दिल पे छुरी ही चला दी है सरकार। वकील साहब जज बन गए, उनकी नाक पहले से भी ज्यादा लंबी हो गई और वो नाक कट न जाए ये सोचकर उन्होंने चोरों की तरह चुपके शादी कर ली। और तुमने चुपके से ये शादी मान ली? मानती नहीं तो और क्या करती हुजूर, जिससे कभी प्यार किया था उसे यूं बदनाम करती, ये हम जैसी औरतें नहीं कर सकती हुजूर, नहीं कर सकती। तो उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था हुजूर, वही जो हमेशा होता आया है। ये रोते हुए मेरे पास आए और मैंने रोते हुए इन्हें फिर से गले लगा लिया। तुम्हारे वकील साहब शराब भी पीते थे? हाय हाय, अजी पीते कहाँ थे हुजूर, बस कभी कभी चख लिया करते थे जैसे सब शरीफ आदमी करते हैं। लेकिन हाँ, ये शराब पीकर कभी बेहोश नहीं हुए हुजूर, नाली में तो कभी नहीं गिरे। ये तैरना भी जानते हैं? हाय हाय, अजी हुजूर तैरना तो ये खूब खूब जानते हैं। हम दोनों आम तौर पे कभी कभी तैरने जाया करते, कभी समंदर में नहाने। और अब तुम जा सकती हो। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया हुजूर, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अर्ज करती हूँ कि इनका खून मेरे नाम लिख दीजिए
हाय हाय, मगर इन्हें रिहा कर दीजिए हुजूर, इन्हें रिहा कर दीजिए। मुकदमे का फैसला अगले शुक्रवार को सुनाया जाएगा। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? मुझे तुमसे एक बात करनी है, जरूरी, अपने भैया के बारे में। मेरा आपके भैया से क्या संबंध है? वो तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। मेरे भैया तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए तुम भी मेरे लिए इज्जत के काबिल हो। लेकिन आप चाहते क्या हैं? वही जो तुम चाहती हो लेकिन अपनी जबान से कह नहीं सकती। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं समझाता हूँ तुम्हें। हमारे अंधे कानून के सामने अग्नि के गिर साथ फिरे ही सब कुछ होते हैं। तुम्हारी तरह जिंदगी भर आग में जलना कुछ नहीं होता। भैया अगर रस्सी पर झूल गए तो भाभी को तो अपने मंगलसूत्र की बड़ी कीमत मिल जाएगी। तिजोरी रुपयों से भरी पड़ी है, शेरों के हिसाब से सोना है उसमें, मगर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं कर ही क्या सकती हूँ? तुम मेरी मदद कर सकती हो। लेकिन तुमने तो अदालत में कहा था कि तुम्हारे भैया तैरना नहीं जानते, वो तुम पर हाथ तक नहीं उठा सकते। वो तो भैया को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था, और अब भी उन्हें बचाने में मैं कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ इस फैसले से पहले हम भैया को जेल से छुड़ा लें, वो तुम्हें और अपनी दौलत दोनों को लेकर कहीं दूर चले जाएं। तुम्हारी तरह मुझे भी दुनिया में कोई चीज इतनी प्यारी नहीं जितनी भैया की जिंदगी। लेकिन खून का मुजरिम पहले तो जेल से भागेगा कैसे, और अगर भाग भी गया तो वो दुनिया में जाएगा कहाँ? जहाँ उसे कोई पकड़ ना सके, जहाँ कानून के हाथ उस तक पहुँच ना सके। अगर आदमी के पास पैसा हो तो वो कहाँ नहीं जा सकता, क्या कुछ नहीं कर सकता, उसे सैकड़ों खून माफ हो सकते हैं। लेकिन तुम्हारे भैया के पास इतने रुपए आएंगे कहाँ से? उसका इंतजाम ये रहा, भाभी की तिजोरी की चाबियाँ। तुम्हारी भाभी को शक नहीं होगा? कैसे होगा, भाभी एक हिंदू धर्म पत्नी है, अपने पति की पूजा कर सकती है, उस पर शक नहीं कर सकती। जेल से भागो। आप जेल से भाग कर आए? हाँ, ये सारा प्लान शंकर ने तो तैयार किया है। हम किसी ऐसे देश में चले जाएंगे जहाँ मेरी जान और तुम्हारे सुहाग को कोई खतरा ना हो। शंकर को छोड़िए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप भूल गए आप कौन हैं? समाज में आपकी क्या इज्जत है, लोग किस तरह आपको पूछते हैं? इतना बड़ा जज आज अपने ही घर में चोरी करने पर उतर आया? जानकी तुम्हें मालूम नहीं, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ये मेरी भी जिंदगी का सवाल है, और मैं लड़ भी रही हूँ उसके लिए। कभी अपनी बहन के साथ जो सच्चे दिल से मानती है कि आप खूनी हैं, कभी अपने दिल के साथ जो कभी कभी थक जाता है और हार जाता है। आपको यहाँ देखकर मैं दोनों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इसलिए कि मैं जिंदा हूँ? नहीं, इसलिए कि आप जेल से भाग आए। आपने खून नहीं किया तो फिर जेल तोड़कर भागने की क्या जरूरत थी? सच सच बता दीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने खून तो नहीं किया ना? किया है, मैं खूनी हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे हाथ मत लगाइए, मेरे पास मत आइए। पागल ना बनो जानकी, चलो मेरे साथ। नहीं चलूंगी। चलो। नहीं नहीं, ना मैं जाऊंगी ना आपको जाने दूंगी। जानकी, अब तक मुझे विश्वास था कि आप बेकसूर हैं, लेकिन आपने उस विश्वास का भी खून कर दिया जैसे पिछले 3 खून किए हैं। अच्छा होगा आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें, नहीं तो मैं खुद थाने फोन करती। दीदी, अब तक मैं समझती थी सिर्फ यही एक खूनी है, आज मालूम हुआ इसका भाई भी कम नहीं। अब पहचान लिया अपने पति का असली चेहरा? हाँ पहचान लिया। उमा, तुम फौरन पुलिस को फोन करो। शंकर, इतनी देर तक तुमने आ गई, ऊपर जाकर अपनी भाभी को समझाओ। भाभी को तो बाद में समझाऊंगा, पहले मुझे समझने दो। कौन? शंकर, कौन हो तुम? Thank you.
मुलजिम कन्हैया, तुम्हारा बयान लेने से पहले हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि तुम ये बयान अपनी मर्जी से दे रहे हो। अदालत तुम पर कोई जोर या दबाव नहीं डाल रही है। जोर और दबाव से कौन सारा डरने वाला है मजिस्ट्रेट साहब? हम पुराने खिलाड़ी हैं इस मैदान के। जेल को तो बस हमारा घर समझिए, जहां हम कई दफा आ चुके हैं और कई दफा जा चुके हैं। एक बार तो हम वक्त से पहले ही चले गए, यानी कि जेल तोड़कर भाग गए। हम सारा आगे भाग रहा था, पुलिस पीछा कर रही थी। हम आगे भाग रहे थे, पुलिस पीछा कर रही थी। हम आगे आगे भाग रहे थे, पुलिस हमारा पीछा कर रही थी। हम भागते चले गए, पुलिस पीछा करती चली गई। पुलिस से बचने और छिपने के लिए हम जिस घर में घुसे वो आशा का मकान था। अरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल जज साहब से मिलती है, इससे फायदा उठाया जा सकता है। यहाँ कोई आदमी तो नहीं आया था? जी नहीं, कोई नहीं आया। जेल से खतरनाक मुजरिम भाग निकला है, आप जरा होशियार रहिएगा। पुलिस गई। आशा ने एक बार फिर हमारी तरफ गौर से देखा और कहने लगी कि तुम तो बिल्कुल जज साहब जैसे लगते हो। हमने कहा कौन साला जज? कहने लगी पहले सरकारी वकील थे अब जज। बात दरअसल यह है मजिस्ट्रेट साहब कि आशा का भाई खून और डाके के इल्जाम में पकड़ा गया था। जज साहब सरकारी वकील थे, आशा अपने भाई की जान की भीख मांगने उनके पास गई, रुपया दिया, यहां तक कि अपने आप को भी पेश किया। लेकिन इस पर भी जब वकील साहब नहीं पिघले तो उसने अपना सब कुछ निछावर करना चाहा, लेकिन वकील साहब को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। यही नहीं, अपनी दलीलों से वकील साहब ने आशा के भाई को फांसी पर लटकवा दिया। तब से आशा के दिल में इंतकाम की आग भड़क गई, हमें देखकर याद और तेज हो गई। कहने लगी हमने तुम्हें पुलिस से बचाया, हम तुम्हारी और भी मदद कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मरता क्या ना करता हम राजी हो गए। एक तरफ जेल की काली कोठी और इस कोठी में ना जाने कितनी काली रात, दूसरी तरफ आशा की आजादी थी, रंगीनी थी, उजाला था। हमारा कद और शरीर तो था ही जस साहब जैसा, बस एक चेहरा बनवाना पड़ा उनके चेहरे का और फिट कर लिया अपने चेहरे पर और बन गए जज साहब। चंद ही दिनों में हमने उनकी चाल और बोलने का ढंग भी सीख लिया। हेलो, मैं जज शेखर बोल रहा हूं। हम जिधर से गुजरते लोग समझते कि जज साहब चले आ रहे। तभी एक बड़ी गड़बड़ हो गई मजिस्ट्रेट साहब। आशा की एक छोटी बहन थी शोभा, वो साले उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो किसी साले रघुनाथ से प्यार करती थी और रघुनाथ की शादी हो चुकी थी। हमने रघुनाथ की जगह अपने आप को पेश किया तो वो आग बबूला हो गई। उसने हमें धमकी दी कि वो पुलिस के सामने हमारी नकाब का फांदा फोड़ देगी। उसी वक्त हमने सोच लिया कि इसे रास्ते से हटाना जरूरी है। हमने रघुनाथ के नाम से उसे एक चिट्ठी लिखी और उसे एक सुनसान पहाड़ी पर बुलाया। बस उसके बाद हमारा काम आसान हो गया। हमने फंसाना चाहा था जज साहब को और फंस गया बेचारा रघुनाथ। हमने दूसरा प्लान बनाया जज साहब को फंसाने का। हमने कुमोद को बुला भेजा अपने घर जज साहब से मिलने के लिए, लेकिन वो साली वक्त से पहले ही आ गई। उसने हमें निकाब उतारते हुए देख लिया। उसे हमारा राज मालूम हो गया था, इसलिए उसे भी रास्ते से हटाना जरूरी हो गया। हम भी उसके पीछे भागे जज साहब का चेहरा पहनकर, लेकिन वो रास्ते में असली जज साहब को देखकर बेहोश हो गए। जज साहब उसे उठाकर मोटर में डालकर उसके घर ले गए, लेकिन हम भी जज साहब के बाद निकले। हम उनसे पहले ही वहां जाकर छिप गए। जज साहब आए और कमोद को बिस्तर पर लिटाकर जा ही रहे थे कि मेज पर रखा हुआ फूलदान गिर गया। जज साहब ने बड़े प्यार से उस फूलदान को उठाकर मेज पर रखा और चले गए, लेकिन अपनी उंगलियों के निशान उस पर छोड़ गए जो बाद में हमारे बहुत काम आए। हम अपना काम करने ही जा रहे थे कि कमोद की नौकरानी आ गई। खामखा ये खून और करना पड़ा। हमने दुस्ताने पहन रखे, गुलदान ने उसकी जिंदगी के तार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बस इसके बाद कुमोद की कहानी भी खत्म और हमारी कहानी भी खत्म। क्यों मजिस्ट्रेट साहब, कैसी लगी? तो तुम्हारा बयान खत्म हो गया कन्हैया? बयान भी खत्म और हमारा काम भी खत्म। तो फिर यहां दस्तखत कर दीजिए। लाइए। देखा मजिस्ट्रेट साहब, आज हम सचमुच के जज बन गए। आज हमने अपने हाथों से अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए, जो आज तक किसी साले जज ने नहीं किए होंगे।
मिस आयशा, यह है मुलजम कन्हैया का बयान, आप इसे गौर से पढ़ लीजिए और अगर आपको कुछ कहना हो। मुझे कुछ कहना है न कुछ पढ़ना है। तो फिर यहाँ साइन कर दीजिए। दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया है। मैंने तो पहले ही कहा था पगली, जिस तरह तुम्हें कानून और इंसाफ पर विश्वास है उसी तरह मुझे अपने पति और भगवान पर विश्वास है। जी जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बड़ी बेइंसाफी की है। नहीं उमा, तुमने तो सिर्फ अपना धर्म निभाया है। पहले हमें गवाह और फिर मुलजम बनाकर अदालत में पेश न करती तो वो मुजरिम न जाने आज तक कैसे कैसे भयानक जुर्म करता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुमने मासूम रघुनाथ के साथ इंसाफ को भी मरने से बचा लिया। हम तुम्हारे बहुत एहसान मंद हैं। दीदी अब मैं जा सकती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? लड़की ससुराल से रूठ कर हमेशा अपने मैके चली जाती, मगर पगली तुम्हारा तो मैका भी यही है और ससुराल भी यही। उमा आज से हमारे रिश्ते बदल गए हैं, कल तक तुम हमारी साली थी, आज से बहू बन गई।